नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। दोस्तों आज गुजरात टाइटंस के खिलाफ हैदराबाद की टीम को अंतिम ओवर में जीत के लिए चाहिए थे 6 गेंद में 22 रन और फिर इस तरह से निकोलस पूरन और एडन मार्करम ने जिताया मैच की देखने के बाद बल्लेबाजी पूरा भारत देश कर रहा सलाम। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार जो गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के बीच आज रोमांचक मुकाबला खेला गया उसी मैच की हाईलाइट के बारे में। तो आप सभी इस मैच की हाईलाइट को तो जानने के लिए बने रहिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप भी आज हैदराबाद की टीम की जीत से खुश हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना और साथ में हमें बताइएगा आप भी कि हार्दिक पांड्या और केन विलियमसन में से कौन है बेहतरीन बल्लेबाज, अपनी राय जरूर बताना। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग के 15वें सीजन के 21वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद के साथ मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में हुआ, जहां इस मैच में हैदराबाद टीम के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और इस मुकाबले के लिए दोनों की प्लेइंग 11 टीम में किसी भी तरह का कोई बदलाव तो हुआ नहीं था और पिछले मुकाबलों की ही प्लेइंग 11 टीम दोनों लेकर आज मैदान पर उतरे। तो वहीं इस मैच में गुजरात की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान हार्दिक पांड्या की नाबाद अर्धशतकीय पारी के दम पर 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 162 रन बनाए थे और हैदराबाद की टीम को जीत के लिए लक्ष्य मिला था 163 रनों का। हालांकि केन विलियमसन की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का प्रदर्शन आज के इस मुकाबले में बेहद ही शानदार रहा। दरअसल हम आपको बता दें कि जब गुजरात टाइटंस की टीम मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरी थी तो उनकी तरफ से मैथ्यू वेड और शुभमन गिल मैदान पर आए थे, जहां मैथ्यू वेड आज के इस मुकाबले में मात्र 19 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हुए और अपनी इस पारी में उन्होंने 3 चौके लगाए थे। हालांकि उनको उमरान मलिक ने LBW आउट कर दिया था और इसी के साथ ये बड़ा झटका लग जाने के बाद गुजरात टाइटंस की टीम एक के बाद एक अपने विकेट गवाए जा रही थी, क्योंकि यहां पर फिर मैदान पर उतरे साई सुदर्शन मात्र 9 गेंदों में 11 रन बनाकर ही आउट हुए, जैसे कि आप सब यहां पर स्कोर कार्ड में भी देख पा रहे होंगे। और उनको टी नटराजन ने 6 ओवर की 4 गेंद पर केन विलियमसन के हाथों कैच आउट करवाया। तो वहीं साई सुदर्शन के आउट होने के बाद फिर मैदान पर उतरे हार्दिक पांड्या। इसी बीच हार्दिक पांड्या और डेविड के बीच में भी आतिशी बल्लेबाजी हम सभी को देखने के लिए मिली और इस दौरान हार्दिक पांड्या ने 42 गेंदों में ही मात्र 50 रन ठोक डाले और अपनी 50 रन की पारी में उन्होंने 4 चौके और एक बड़ा छक्का लगाया। तो वहीं हार्दिक पांड्या के अलावा डेविड मिलर ने 15 गेंदों में 12 रनों की पारी खेली। हालांकि हार्दिक पांड्या का यहां पर बखूबी साथ निभाया था अभिनव मनोहर ने। जी हां दोस्तों, अभिनव मनोहर ने इस मुकाबले में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 21 गेंदों में 35 रन बनाए थे और जहां इस पारी में उनको भुवनेश्वर कुमार ने राहुल त्रिपाठी क्या तो कैच आउट करवाया और वहीं अभिनव मनोहर के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे राहुल तेवतिया, जो कि मात्र 4 गेंदों में 6 रन ही बना सके और अपनी इस पारी में उन्होंने एक चौका लगाया था। और वहीं राशिद खान टी नटराजन के ओवर की एक गेंद खेलकर ही चलते बने, जिसके चलते यहां पर गुजरात टाइटंस की टीम 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 162 रन बना पाने में कामयाब हो सकी। और वहीं बात करें अगर हैदराबाद की टीम के गेंदबाजों की, तो हैदराबाद की टीम के गेंदबाजों में आज के इस मुकाबले में सबसे ज्यादा जो विकेट चटकाए वो भुवनेश्वर कुमार ने चटकाए, जिन्होंने 4 ओवर फेंकते हुए 37 रन देकर 2 बड़ी सफलताएं हासिल की। तो वहीं टी नटराजन को भी 2 विकेट मिले 4 ओवर फेंकते हुए 34 रन देकर। हालांकि मार्को येंसन को 1 विकेट मिला और उमरान मलिक को 1 सफलता हाथ लगी और जिसके चलते आज गुजरात टाइटंस की टीम 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 162 रन बना सकी और 163 रनों के लक्ष्य के जवाब में जब सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मैदान पर उतरी तो यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद टीम के खिलाड़ियों ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर टीम को जीत की तरफ बढ़ाया। दरअसल दोस्तों आज सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए पहले मैदान पर उतरे थे अभिषेक शर्मा और केन विलियमसन, जहां आज के इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने बखूबी केन विलियमसन का साथ निभाया और दोनों ही बल्लेबाज इस दौरान आक्रामक रूप में दिखाई दिए। हालांकि दोस्तों हम आपको बता दें कि आज के इस बेहद ही रोमांचक रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में केन विलियमसन ने अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर अर्धशतकीय पारी खेली। हालांकि दोस्तों इसी बीच अभिषेक शर्मा का विकेट गिर गया, जहां अभिषेक शर्मा को राशिद खान ने अपनी गुगली गेंद पर फंसाया और अभिषेक शर्मा सीधा साई सुदर्शन को अपना कैच थमा बैठे, जिसके चलते 9 ओवर की 5वीं गेंद पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को यह पहला बड़ा झटका लगा। और वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि अभिषेक शर्मा अपनी इस पारी में 32 गेंदों में 42 रन बनाकर आउट हुए और वहीं इस दौरान उन्होंने 6 चौके भी लगाए। और फिर अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे राहुल त्रिपाठी, जहां राहुल त्रिपाठी आज के इस मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान 11 गेंदों में 17 रन भी बना लिए थे। हालांकि वो रिटायर्ड हार्ट हो गए इस दौरान, जिसके चलते यहां पर राहुल त्रिपाठी मैदान से बाहर गए और उनकी जगह पर फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे निकोलस पूरन, जहां निकोलस पूरन के बल्ले से आज खूब सारे रन हम सभी को देखने के लिए मिले। जी हां दोस्तों, जहां एक तरफ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को अंतिम 26
गेंदों में 35 रनों की जरूरत थी और यहां पर ऐसा लग रहा था कि हैदराबाद के हाथों से ये मुकाबला जरूर निकल सकता है। लेकिन दोस्तों यहां पर हैदराबाद की टीम के बल्लेबाजों का प्रदर्शन आज ऐसा शानदार रहा अंतिम ओवरों में कि इस मुकाबले को वो जीत की राह पर लेकर गई। और वहीं दोस्तों आप सब यहां पर देख भी सकते हो कि आज का ये मुकाबला कौन सी टीम जीती, जहां पर गुजरात टाइटंस के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद की टीम का बेहतरीन प्रदर्शन हम सभी को इस दौरान देखने के लिए मिला। हालांकि अगर इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम उनके लक्ष्य के करीब पहुंच पाई तो वो बस इसलिए क्योंकि आज के इस मुकाबले में गुजरात टाइटंस की टीम की गेंदबाजी इतनी ज्यादा कुछ शानदार रही नहीं, जिसके चलते यहां पर उनको इस मैच से अपने हाथ धोना पड़ा। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर अब आप सभी की क्या राय है आज के इस मुकाबले के बारे में और आप किस टीम को 10 में से 10 नंबर देना चाहोगे गुजरात और हैदराबाद में से, अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, राजस्थान की टीम रोमांचक मुकाबले में 3 रनों से जीती और 3 रनों से जीतने के बाद ही पॉइंट टेबल में राजस्थान की टीम ने जो हलचल की है उसको तो जानकर सभी खुशी हो गए हैं। दरअसल दोस्तों इस रोमांचक मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को राजस्थान टीम के खिलाड़ियों ने 3 रनों से हराया, जहां राजस्थान की तरफ से घातक गेंदबाजी हम सभी को करवाते हुए नजर आए युजवेंद्र चहल, जिन्होंने 4 ओवर फेंकते हुए 41 रन, महत्वपूर्ण 4 बड़े विकेट हासिल किए और इसी के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स जैसी खतरनाक टीम को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। तो वहीं हम आपको बता दें कि पॉइंट टेबल का समीकरण अगर हम देखें तो पूरी तरह से अब वो पलट चुका है, जहां राजस्थान की टीम ने एक लंबी छलांग लगाई है। तो रेडर्स की टीम, जहां पर कोलकाता ने 5 मुकाबले अभी तक खेले और 3 मैचों में इन्हें जीत मिली और 2 में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते 6 पॉइंट्स के साथ कोलकाता की टीम दूसरे नंबर पर है। तो वहीं तीसरे नंबर पर आती है गुजरात टाइटंस की टीम, जहां पर गुजरात की टीम ने 3 मैचों को अभी तक खेला और 3ों में ही जीत अर्जित की है और 6 पॉइंट्स के साथ ये तीसरे नंबर पर आती है। तो वहीं चौथे नंबर पर है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम, जहां रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 4 मैचों में 3 मैच जीतकर 1 मैच हारकर 6 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर है। तो वहीं 5वें नंबर पर आ गई है अब लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम, जिन्होंने अभी तक 5 मुकाबले खेले और 3 में इन्हें जीत मिली और 2 में इन्हें हार का सामना करना पड़ा और 6 पॉइंट्स के साथ ये 5वें नंबर पर है। तो वहीं 6ठे नंबर पर निकल कर आती है दिल्ली कैपिटल्स की टीम, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम 4 मुकाबले अभी तक खेले और 2 में इन्हें जीत मिली और 2 में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है और 4 पॉइंट्स के साथ ये 7वें नंबर पर मौजूद है। तो वहीं 8वें नंबर पर निकल कर आती है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, जहां हैदराबाद ने 3 मुकाबले अभी तक खेले और 1 मैच में इन्हें जीत मिली और 2 में इन्हें हार का सामना करना पड़ा है और 2 पॉइंट्स के साथ या 8वें नंबर पर आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है मुकाबले में 4था बड़ा झटका लगा। तो उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।